हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतिभा और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जो सभी गृहिणियों के बड़े काम की हैं, जिन्हें मैं खुद भी फॉलो करती हूं और जो मेरे जैसी गृहिणियों के लिए उनके समय, स्वास्थ्य और पैसे तीनों के लिए बेनिफिशियल है। तो शुरू करते हैं आज के 10 किचन टिप्स और ट्रिक्स। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हमारा अचानक से कहीं जाने का प्लान बन जाता है और घर में जो है वो बहुत सारा दूध जो है वो बचा होता है, और जब हम लंबे ब्रेक के बाद आते हैं और दूध को अगर हम घर में नहीं होता तो चाय या कॉफी बनानी होती है तो बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है दूध को अरेंज करने के लिए। तो अगर आपके आपका भी अचानक से कहीं जाने का प्लान बन जाए और घर में बहुत सारा दूध बचा हुआ है तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं। इस दूध को एक बर्तन में स्टोर कर लें और इसको फिर जो है वो डीप फ्रीज कर लें, यानी इसको फ्रीजर में डाल दें। इसको जो है ऐसे, ये दूध का जो है ये बर्तन है, इसमें दूध रख के इसको ढक के और फिर इसको जो है वो फ्रीजर में स्टोर करें, तो इससे जो है ये दूध जम जाएगा और जो इस तरह से जो दूध है वो हफ्तों तक खराब नहीं होता। और जब भी आप लंबे ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं तो इस दूध में कोई भी कमी नहीं रहती। इसको आप गर्म करके इसको चाय या कॉफी वगैरह कुछ भी बना सकते हो और जो दूध को अरेंज करने का जो प्रॉब्लम है, जो टेंशन है, उससे भी आप बच जाते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम जो है वो सेब काटते हैं और ये लंच या बच्चों के टिफिन बॉक्स में देना होता है तो सेब को जो है हम तुरंत काटते हैं, फ्रेश काटते हैं, क्योंकि अगर हम पहले से काट के रख देते हैं तो वो काला पड़ने लगता है। तो इससे बचने के लिए ये देखिए, जैसे ये मैंने एप्पल काटा तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, इसका ये इनर सरफेस, या जैसे आप जानते हैं कि इसके बाहर जो है वैक्स की कोटिंग कर देते हैं अच्छी शाइन के लिए, तो ये छीलना पड़ता है, तो ये पूरा एरिया जो है ये ब्लैक हो जाता है। तो अगर इससे बचना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप ऐसे, ये मौसमी है, मौसमी लेके इसके पूरे सरफेस पे रब कर दें, तो इससे जो है इसका सरफेस जो है जो ब्राउन हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, ये ब्राउनिंग नहीं होगी, इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और जो आयरन एब्जॉर्प्शन है वो भी बढ़ जाएगा। आप इसका एक और अल्टरनेटिव है कि आप इस पे लेमन जूस भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो क्योंकि खट्टा होता है तो बहुत सारे लोगों के लिए वो खाने में उसको आसान नहीं होता है। फ्रेंड्स, जब भी आप बैगन का भरता बनाते हैं तो बैगन को रोस्ट करना पड़ता है, तो जनरली सब लोग ऐसे ही रोस्ट कर लेते हैं लेकिन ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। जब भी आप बैगन को रोस्ट करें उसमें 3 या 4 जो है वो लंबे लंबे स्लिट लगा लें। ये देखिए, ये मैं लगा रही हूँ। इसके 2 फायदे हैं, एक तो जब आप इसको जो है वो रोस्ट करेंगे तो ये बर्स्ट नहीं होगा हीट पाके, और दूसरा जो है आप इसको अच्छी तरह से ऐसे चेक कर सकते हैं कि इसमें कहीं कोई कीड़ा तो नहीं लगा है। अगर आप इसको बिना जो है ऐसे स्लिट लगाए रोस्ट करेंगे तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इसके अंदर जो है वो कीड़े हों और वो भी जो है बैगन के साथ रोस्ट हो जाए। फ्रेंड्स, जब भी हम खीर या कोई भी स्वीट डिश या डेजर्ट बनाते हैं तो जनरली हम जो है उसमें इलायची का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इलायची तो हम यूज कर लेते हैं लेकिन जो ये उसके छिलके हैं इसे फेंक देते हैं। ये छिलके फेंके नहीं बल्कि ये बहुत ही काम के हैं। इन छिलकों को अगर हम चाय की पत्ती के डिब्बे में डाल दें तो जब भी हम चाय बनाएंगे और इस चाय की पत्ती का इस्तेमाल करेंगे तो चाय में जो है इलायची की बहुत ही अच्छी बीनी बीनी खुशबू आएगी। फ्रेंड्स, बारिश के दिनों में नींबू जो है वो नमी के कारण बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो नींबू जो नमी होती है तो फंगस भी लगने लगता है और इसका सरफेस जो है वो एक स्पॉट अगर पड़ गया तो वो धीरे धीरे पूरे नींबू को खराब कर देता है। तो इससे बचने के लिए आप हर एक एक नींबू को सेपरेटली जो है वो इस तरह के न्यूज़पेपर या फिर टिश्यू पेपर में जो है वो रैप कर दें, ये इस तरह से, ये देखिए मैं सेपरेटली सारे नींबू को एक एक करके ऐसे रैप कर दे रही हूँ और फिर उसको जो है किसी पॉली बैग में भर के ऐसे भर के और फिर जो है फ्रिज में स्टोर कर ले तो हमारे नींबू जो है वो काफी दिनों तक खराब नहीं होंगे। फ्रेंड्स, कई बार फर्श पर जो है ऑयल या घी, मान लीजिए ये गलती से गिर जाता है तो अब हम कपड़े से इसको कितना भी वाइप करें ये ठीक से साफ नहीं होता, और आप ये देख रहे हैं कि ये ऑयल सिर्फ जो है वो ज्यादा सरफेस एरिया पे फैल गया है और इसकी जो चिकनाहट है वो बिल्कुल भी गई नहीं है। तो
आप देख रहे हैं कि ये जो है ये यहाँ पे ये सिर्फ ज्यादा सरफेस एरिया में फैल जाता है और ये कितना भी आप साफ करिए तो ये स्लिपरी जो है ये हो जाता है और ये जाती नहीं है चिकनाई। तो इसे बचने के लिए आप क्या करिए कि थोड़ा सा सूखा आटा जो है इस एरिया पे फैला दीजिए। ये आटा क्या करेगा, ये जितनी भी जो है चिकनाई है ये इसको सोख लेगा और फिर जब आप इसको वाइप करेंगे तो आप पाएंगे कि ये देखिए अब यहाँ पे बिल्कुल भी चिकनाहट नहीं है, ये बिल्कुल अच्छी तरह से साफ हो गया, अब ये बिल्कुल भी स्लिपरी नहीं है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टिप ये है कि आजकल जो किचन के काउंटर टॉप्स होते हैं वो मार्बल या ग्रेनाइट के होते हैं जो कि काफी चिकने होते हैं, तो उसपे अगर हम ऐसे चौका या चॉपिंग बोर्ड कुछ भी रख के काम करते हैं तो वो स्लिप करने लगता है। तो इसको बचने के लिए इसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन ये है कि चॉपिंग बोर्ड या हमारा ये देख रहे हैं ये चकला है, इसके नीचे कोई भी पुराना ऐसे टॉवेल, ये देखिए मैंने एक पुराना टॉवेल डाल रखा है, या फिर कोई भी एक सूती कपड़ा जो है नीचे बिछा दें। तो ये जो है इसके दो फायदे हैं कि पहला कि जब आपका काम खत्म हो जाएगा तो आप इसी टॉवेल या सूती कपड़े से उस एरिया को साफ भी कर सकते हैं, और दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो चकला या फिर चॉपिंग बोर्ड स्लिप करता है ये स्लिप नहीं करेगा। जनरली जो है करेले की सब्जी जो है वो बहुत कड़वी होती है जिसके कारण लोग जो है इसको खाना प्रेफर नहीं करते, तो करेलों का कड़वापन दूर करने के लिए जो है एक सिंपल ट्रिक है कि करेलों को काट कर और एक थोड़ा सा पानी ले लें बोल में और इसमें जो है 2 या 3 चम्मच जो है वो खाने वाला नमक जो हमारा होता है टेबल सॉल्ट वो मिला लें। ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होना चाहिए, ये डाइल्यूट ना हो, और इसमें ये जो है ये करेले जो है ये हमारे कटे हुए उसको जो है डालकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें और बाद में इसको अच्छी तरह से यूं दबा के निचोड़ के ये रख लें और इसकी सब्जी जब आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि करेलों से जो कड़वाहट है वो बिल्कुल भी गायब हो चुकी है। फ्रेंड, जब भी हम रोटी बनाते हैं और जब हमारी रोटियां बन चुकी होती हैं तो जो हमारा तवा है ये काफी गर्म रहता है, ये देखिए इसमें हीट जो है वो काफी रहती है और हम तवा ऐसे ही रख देते हैं तो इसकी सारी हीट जो है वो वेस्ट हो जाती है। तो इस हीट को वेस्ट ना जाने दें। आपके घर में जो है ये दही जब आप जमाते हैं, वैसे भी आजकल जो है मानसून सीजन चल रहा है, बारिश के दिनों में दही अच्छे से जमती नहीं है, तो ये दही को इसी गर्म तवे पे रख दें तो ये दूध बिल्कुल जो है हल्का सा लीक वार्म रहेगा और दही जो है बिल्कुल परफेक्ट जमेगी। फ्रेंड्स, जनरली जो है हम बड़े बर्तन के लिए बड़ा फ्लेम और छोटे बर्तन के लिए छोटा फ्लेम यूज करते हैं गैस बर्नर का, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि अगर हम छोटे बर्तन को भी बड़े फ्लेम पे रख देंगे तो हमारा जो सामान है या जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो बहुत जल्दी पक जाएगी हमारे खाने पीने की वस्तु, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप बर्तन को बड़े फ्लेम पे रख भी रहे हैं तो उसका जो फ्लेम है वो कम कर दीजिए या मीडियम रख दीजिए, कि उतना ही फ्लेम रखिए जो उसके लोअर सरफेस तक आए, क्योंकि जो फ्लेम बाहर निकलेगा, बर्तन के बाहर निकलेगा, वो आपका पूरा वेस्ट हो जाएगा और खाने को पकने में समय जो है वो उतना ही लगेगा। तो कोशिश ये कीजिए कि अगर आप बड़े फ्लेम पे छोटा बर्तन रख रहे हैं तो फ्लेम को कम रखिए या मीडियम रखिए, इससे जो है आपकी गैस की बचत होगी। तो ये थे आज के टिप्स और ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की मेरी ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें जरूर दें और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।